સમગ્ર પ્રદેશ દાદાનગર હવેલીના કલેક્ટર કચેરી દ્વારા આગામી લોકસભાની ચૂંટણીમાં મતદારોને ઈવીએમ મશીનથી મતદાન કરવા માટેનું માર્ગદર્શન મળી રહે તે માટે કલેક્ટર કચેરી ખાતે મોડેલ મતદાન કેન્દ્ર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. કલેક્ટર કચેરી ખાતે મુકાયેલા આ મતદાન કેન્દ્રમાં મતદારોએ ઈવીએમ વીવીપીએટથી મતદાન કેવી રીતે કરવું તેનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. अभी इलेक्शन तो अनाउंस नहीं हुआ है, तो प्री अनाउंसमेंट की तैयारियां चल रही है. उसमें बेसिकली हमारी मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग, जो ईवीएम की कमीशनिंग, जो फर्स्ट लेवल चेकिंग और कमीशनिंग नहीं फर्स्ट लेवल चेकिंग का जो है वो, और हमारी जैसे स्वीप की जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वोटर्स को बताने के लिए और ताकि आके आके वो वोट करें, और समरी रिविजन, एक इलेक्शन से पहले एक समरी रिविजन का रहता है. तो समरी रिविजन का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया. January 4th को हम ड्राफ्ट रोल पब्लिश करेंगे January 4th को, और उसके बाद कंटिन्यूस अपडेशन चलती रहेगी जिसमें जो नॉर्मल होना है. और दूसरी एक बात है कि जिसमें डिलीशन वगैरह करना है तो हम पॉलिटिकल पार्टीज को सारे इन्फॉर्म करके, जो भी यहाँ से माइग्रेट किया हो, ASD है जहाँ से शिफ्ट किया हो, एबसेंट हो या डेड हो, तो वोटर्स के डिलीशन का भी प्रोसेस चालू है. ट्रेनिंग का जैसे आपने देखा है, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, जैसे हमने एक इनोवेशन टाइप किया है ये, ताकि लोगों को एक पोल बूथ कैसे चलाना है. अदरवाइज कैसे होते हैं ट्रेनिंग की, एक दिन का ट्रेनिंग या दो दिन का ट्रेनिंग एक ग्राउंड में सब लोगों को बुला के करते हैं, तो उस दिन एक बार जस्ट टेस्ट करते हैं, फिर उस दिन पोल के दिन कर लेते हैं. यहाँ पे आके जैसे लोग करते हैं तो उनको पता है कि पूरा एक दिन का पोलिंग का कैसे रहना है, कैसे बैलेट यूनिट सेटअप करना है, कैसे मॉक पोल करना है, कैसे रजिस्टर मेंटेन करना है, कौन कौन सी फॉर्म्स रखना है, ये सारी चीज़ यहीं पर एक बार हाफ डे की जो ट्रेनिंग है उसमें से उनके हो जाएगी. यहाँ पे January 4th को तो आपको बुला के, सभी को बुला के, उसमें जो जो भी डिटेल्स है, कितने डिलीट हुआ, कितने चेंज हुआ, कितने नया ऐड हुआ, जो नया वोटर्स कितना हुआ, ये सारे हम उनको ब्रीफ कर पाएंगे, क्योंकि अभी प्रोसेस चालू है तो हम उसका फिगर्स नहीं बता पाएंगे.